हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो लेसन है वो लेसन है अबाउट द ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, जिसको हम हिंदी अमल बोलते हैं, मतलब शक्लें बनाना। ज्योमेट्री के अंदर जो है वो दी हुई इंफॉर्मेशन की बेस पर, दी हुई मालूमात की बेस पर जो है वो अलग अलग शक्लें जो है वो क्रिएट करना, दैट इज द ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। तो आज जो है हम ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको एक बेसिक आइडिया इसके अंदर ये देखना है कि हम दिए हुए एंगल का बाइसेक्टर जो है वो किस तरह से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमको एक एंगल दिया हुआ है ए बी सी, और इस एंगल का जो वर्टेक्स है, जो सेंटर है, वो है पॉइंट बी। अब हमको सबसे पहले ये देखना है कि हम इस एंगल एबीसी का बाइसेक्टर किस तरह से खींचते हैं। बाइसेक्टर का मतलब होता है जो आधा आधा बांटता है, एक एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाला जो रे है या जो सेगमेंट है, वो सेगमेंट हमको खींचना है, एक रे खींचना है जो इस एंगल को, मतलब एंगल एबीसी को जो है वो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। सपोज एंगल एबीसी जो है वो 80 डिग्री का है, तो हमको ऐसा रे खींचना है जो इस 80 डिग्री के एंगल को आधा आधा डिवाइड कर दे, उसी को हम कहते हैं बाइसेक्टर, जिसको उर्दू के अंदर नासिफ बोलते हैं हम, जो आधा आधा बांटते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसका बाइसेक्टर खींचने के लिए जो हमारा कंपास होता है, उस कंपास को पॉइंट बी पर रखते हैं, और पॉइंट बी पर रखकर एक स्पेशल डिस्टेंस के जरिए हम एक क्रॉस मारते हैं कंपास के जरिए। पॉइंट बी पर रखकर बीए के ऊपर एक आर्क, एक कॉस हमने खींच लिए, और उस पॉइंट को कायम रखते हुए कंपास पर जो है, उस पॉइंट को कायम रखते हुए हम बीसी के ऊपर एक दूसरा जो है वो कॉस या आर्क मारते हैं। इस तरह से हमको पॉइंट बी पर रखने पर बीए के ऊपर एक कॉस मिला और बीसी के ऊपर दूसरा कॉस मिला है। या फिर दूसरा तरीका यह है कि हम इस पॉइंट बी पर जो है वो कंपास के पॉइंट को, प्रकार की नोक को रखकर एक बड़ा कॉस मारते, ये भी एक तरीका है। या तो हम छोटे छोटे दो कॉस मारे, एक बीए और एक बीसी पर, या फिर एक बड़ा कॉस मार ले जो बीए और बीसी दोनों को क्रॉस करता हो, दोनों के पॉइंट के अंदर, दोनों के अंदर जो है हमको नए पॉइंट मिलेंगे। सपोज हमने इस बीए वाले पॉइंट को जो है डी नाम दे दिए और बीसी वाले पॉइंट को ई नाम दे दिए, दो पॉइंट मिलने के बाद। अब प्रकार के अंदर के डिस्टेंस को थोड़ा चेंज कर लीजिए, थोड़ा बढ़ा लीजिए। अब प्रकार की नोक को, कंपास के पॉइंट को पॉइंट डी पर रखकर एक क्रॉस लाइन बनाइए, फिर उस डिस्टेंस को कायम रखिए और कंपास के पॉइंट को ई पर रखकर दूसरा क्रॉस जो है इस तरह से बनाइए। दोनों क्रॉस, मतलब डी पर रखने से जो क्रॉस मिला वो एक क्रॉस, और ई पर रखने से जो हमने क्रॉस मारे, जो आर्क खींचे, वो दोनों भी जो आर्क है, दोनों जो क्रॉस है वो जिस पॉइंट पर मिलेंगे, सपोज वो पॉइंट एफ है। अब इस पॉइंट F को जो है स्केल की मदद से जो है वो B से मिला लीजिए। इस तरह से हमको BF एक नई जो है लाइन मिल जाएगी, एक रे मिल जाएगी, और ये BF जो है यही कहलाता है एंगल का बाइसेक्टर या बाइसेक्टर ऑफ एंगल, जिसको हम जो है वो जाविये का नासिक बोलते हैं, जो जाविये को या एंगल को दो इक्वल पार्ट में, दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है बराबरी के। इस तरीके से हम जो है वो प्रकार की मदद से, कंपास की मदद से जो है वो एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं, जाविये का नासिक खींचते हैं। ये एक तरीका होगा जाविये के नासिक खींचने का। अब देखिए, हम एक दिया हुआ जो सेगमेंट है, जो लाइन है, जो कितना खत है, उस सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस तरह से खींचते हैं वो देखते हैं। फर्ज कीजिए हमको एक सेगमेंट दिया हुआ है, एक कितना खत दिया हुआ है जिसका नाम है सपोज ए बी, और ए बी की जो लंबाई है सपोज हमारे पास जो है वो 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर का ए बी हमको दिया हुआ है। और अब हमको इस ए बी का उमूदी नासिब यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है। परपेंडिकुलर का वर्ड जहां आता है तो हम समझ जाते हैं कि बनने वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है, इसलिए हमको ऐसी एक लाइन खींचना है जो इस ए बी के साथ जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाए, यानी वो परपेंडिकुलर हो। और बाइसेक्टर का मतलब होता है जो आधा आधा बांटे,
यानी एबी को आधा आधा बांटने वाली भी लाइन होना चाहिए, उसके अंदर दो प्रॉपर्टीज होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल भी बनाना चाहिए और आधा आधा भी बांटना चाहिए। तो देखिए उसके लिए हम सबसे पहले जो है कंपास लेते हैं, प्रकार लेते हैं, प्रकार की पॉइंट को, प्रकार की नोट को पॉइंट ए पर रख के ऊपर एक क्रॉस और नीचे एक क्रॉस हम लगाते हैं इस तरह से। उसके बाद उस डिस्टेंस को कायम रखते हुए पॉइंट बी पर उस प्रकार की नोट को पॉइंट को रखिए और पॉइंट बी पर रखकर जो है ऊपर एक क्रॉस लगाइए और नीचे एक क्रॉस लगाइए। हमको ये दोनों ही तरह के अमल से एक दो पॉइंट मिलेंगे, एक पॉइंट ऊपर एक पॉइंट नीचे। सपोज इस पॉइंट को हमने डी और नीचे वाले पॉइंट को ई नाम दे दिया। अब स्केल की मदद से हम डी और ई को जो है वो मिला लेते हैं। इस तरीके से बिल्कुल सादे मेथड से हम ये समझ सकते हैं कि जो डी ई हमको मिलेगा वो डी ई परपेंडिकुलर बायसेक्टर रहेगा। किसका? एबी का। यानी एबी के साथ ये 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगा और एबी को जो है वो आधे आधे पार्ट के अंदर बांटेगा। सपोज ये एबी को जिस पॉइंट पर टच करता है सपोज उसको हमने एफ मान दीजिए, तो ए एफ और एफ डी दोनों की लंबाई इक्वल रहेगी, मतलब इस कंडीशन में 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर रहेगी। लेंथ चाहे जो भी हो लेकिन परपेंडिकुलर बायसेक्टर जो होता है वो सेगमेंट को आधा आधा बांट देता है। तो इस तरीके से ये परपेंडिकुलर बायसेक्टर जो है हमने खींच लिया। अब देखिए हम इससे आगे की स्टेप को समझते हैं। अभी हमने जो है एंगल का बायसेक्टर बनाना सीखे, उसके बाद अभी जस्ट हमने जो है वो किसी सेगमेंट का परपेंडिकुलर बायसेक्टर कैसे खींचते हैं वो देख लिया। अब ये दोनों का इस्तेमाल करके हम ये देखते हैं कि जब किसी ट्रायंगल के तीनों बायसेक्टर खींचे जाते हैं, परपेंडिकुलर बायसेक्टर जब खींचे जाते हैं तो वो भी जो है वो तीनों के तीनों परपेंडिकुलर बायसेक्टर एक पॉइंट पर मिलते हैं। और अगर किसी ट्रायंगल के जो तीनों भी एंगल होते हैं वो तीनों एंगलों के अगर एंगुलर बायसेक्टर हम खींच ले, उन तीनों एंगलों के जो बायसेक्टर हम खींच ले तो वो बायसेक्टर जो होते हैं वो भी एक पॉइंट पर मिलते हैं। देखिए किस तरह से हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ले लेंगे। फर्स्ट कीजिए एक ट्रायंगल PQR हमारे पास मौजूद है जिसके अंदर एक एंगल PQR है, दूसरा एंगल QRP है और तीसरा एंगल RPQ है, मतलब एंगल P, एंगल Q और एंगल R। इस तरह से तीन एंगल हमारे पास मौजूद है ट्रायंगल के अंदर। अब देखिए अगर हम एंगल Q का बायसेक्टर अगर खींचे तो हमको प्रकार की या कंपास की जो पॉइंट है उसको पॉइंट Q पर रखना पड़ेगा और एक बड़ा क्रॉस मारना पड़ेगा। जब हमको ये दो पॉइंट मिलेंगे हमको सबसे पहले इस पॉइंट के ऊपर जो है प्रकार को रखकर जो है ऊपर एक क्रॉस लगाना पड़ेगा, फिर उस डिस्टेंस को कायम रखकर रखते हुए हमको इस पॉइंट के ऊपर जो है कंपास के पॉइंट को रखना पड़ेगा और दूसरा क्रॉस मारना पड़ेगा। इस तरीके से हमको दोनों ही जो आर्क है, दोनों जो कॉस है वो जहां मिलेंगे वो नया पॉइंट मिलेगा। सपोज हमको ये पॉइंट डी मिला, डी को हम क्यू से मिला लेंगे तो इस तरह से डी क्यू ये एंगुलर बायसेक्टर हो जाएगा, ये एंगुलर बायसेक्टर हो जाएगा एंगल क्यू का। देखिए जाविया को हम एक पॉइंट से भी जाहिर कर सकते हैं और तीन पॉइंट से भी जाहिर कर सकते हैं, हम जाविया पी क्यू आर भी बोल सकते हैं और जाविया क्यू भी बोल सकते हैं। तो यहां पर हम एक पॉइंट के जरिए बता रहे हैं कि एंगल क्यू का जो बायसेक्टर है वो हमने खींच लिए क्यू डी मेथड के जरिए से। अब बिल्कुल उसी तरीके से हम दूसरा जो एंगल आर है, एंगल आर का भी बायसेक्टर खींच सकते हैं। मतलब अगर हम पॉइंट को कंपास के पॉइंट को अगर आर पर रख के इस तरह से बड़ा एक क्रॉस लगा ले तो हमको इन दोनों भी लेंथ को टच करने वाला, मतलब आर पी और आर क्यू दोनों को इंटरसेक्ट करने वाला, उनको काटने वाले दो पॉइंट मिलेंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट। ये दोनों पॉइंट पर को फिर हमको यूज करना है, इस पॉइंट पर रखकर एक क्रॉस मारना है और दूसरे पॉइंट पर रखकर दूसरा पॉइंट मारना है। देखिए किस तरह से हम दोनों भी आर्क को मिला रहे हैं, दोनों आर्क मिलने से जो नया पॉइंट मिलेगा उसको वर्टेक्स आर से मिला लीजिए। वर्टेक्स आर से मिलाने पर हमको एंगल आर का एंगुलर बायसेक्टर मिल जाएगा और इस तरीके से एंगुलर बायसेक्टर मिलने के बाद हम जो है
उसको स्केल की मदद से मिला लेंगे। सपोज ये बाइसेक्टर जो है हमको मिला है ER, और ER मिलने के बाद देखिए क्या होता है, हमको दो बाइसेक्टर मिल गए हैं, एक एंगल Q का बाइसेक्टर मिल गया है, एक एंगल R का बाइसेक्टर मिल गया। अब देखिए हम तीसरा जो एंगल है P, उस P का बाइसेक्टर खींचेंगे। P का बाइसेक्टर खींचने के लिए हमको वही तरीका अपनाना पड़ेगा जो हमने एंगल Q और एंगल R के बारे में, और वो तरीका क्या है, वो तरीका ये है कि जो हमारा कंपास है, जो प्रकार है, प्रकार की नोक को पॉइंट पी पर रखिए, सुटेबल डिस्टेंस दीजिए, कोई भी सुटेबल डिस्टेंस डिस्टेंस देकर हम एक क्रॉस इस तरह से बड़ा क्रॉस मारेंगे। इस पॉइंट पी पर रखकर जो बड़ा क्रॉस हमको मिलेगा, ये कॉस या ये आर्क दोनों भी साइड को इंटरसेक्ट करेगा। इंटरसेक्ट करेगा तो जिन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, मतलब PQ को जो इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पर, तो यहां रखकर जो है एक क्रॉस हमको मारना है, प्रकार के नोक रखकर डिस्टेंस सुटेबल डिस्टेंस देकर जो एक क्रॉस मारना है, फिर वही डिस्टेंस कायम रखना है, और वही डिस्टेंस कायम रखकर हमको जो प्रकार की नोक है उसको दूसरे पॉइंट पर रख के एक दूसरा क्रॉस मारना है। किस तरीके से देखिए, अब ये दोनों भी आर या दोनों भी कोसाइन जहां मिले हैं, या दोनों भी जो जिसको बोलना चाहिए कॉस जहां मिले हैं, वो हमारा नया पॉइंट मिला है। सपोज एफ, इस एफ को जो है हम मिला लेते हैं इस तरीके से पॉइंट पी से, तो हमको जो है ये पी का बाइसेक्टर मिल जाता है पी एफ, यानी पहले का बाइसेक्टर हमने खींच लिए, दूसरे का और तीसरे का। इस तरीके से तीनों भी एंगल्स के जब बाइसेक्टर हम खींचेंगे तो हम ये ऑब्जर्वेशन करेंगे, हमको ये नतीजा मिलेगा कि तीनों भी बाइसेक्टर जो है वो एक पॉइंट पर मिलते हैं। मतलब हमको जो है ये प्रॉपर्टी मिलती है कि जब हम किसी ट्रायंगल के एंगुलर बाइसेक्टर खींचते हैं तो वो तीनों भी बाइसेक्टर जो है वो एक पॉइंट के ऊपर मिलते हैं, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी जो है बार बार यूज होती है कि किस तरह से किसी ट्रायंगल के एंगुलर बाइसेक्टर जो है खींचे जाते हैं और वो तीनों के तीनों एक पॉइंट के ऊपर मिलते हैं। चलिए अब हम एक नई प्रॉपर्टी देखते हैं, जो प्रॉपर्टी है सिगमेंट के या साइड के जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम खींचते हैं। अगली प्रॉपर्टी जो हमारी है वो अगली प्रॉपर्टी हमको ये बताती है कि जब हम किसी ट्राइंगल के तीनों जो साइड होते हैं उन तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं, तो प्रॉपर्टी ये है कि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी एक पॉइंट के ऊपर मिलते हैं। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचने का तरीका हम देख चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले। अब देखिए हम एक मुसलस लेते हैं ट्राइंगल और उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं। सपोज हम एक ट्राइंगल लेते हैं, फर्ज कीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल मौजूद है डेट इज ए बी सी। अब देखिए हमारे पास जो मुसलस मौजूद है, जो ट्राइंगल मौजूद है, इसके अंदर मुसलस के तीन साइड मौजूद है, साइड ए बी, साइड बी सी और साइड ए सी। अब ये तीनों साइड जो मौजूद है हमारे पास, हमको इनमें से हर साइड का जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है। जैसे सबसे पहले हम साइड बीसी जो हमारे पास मौजूद है, जिला बीसी, इस जिला बीसी का जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। अभी जो है थोड़ी देर पहले हम देख चुके हैं कि किसी साइड का जब हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना रहा तो BC की जो लंबाई है उसमें आधे से ज्यादा, BC की लंबाई जितनी भी होगी उसमें आधे से ज्यादा डिस्टेंस जो है हम प्रकार के अंदर कंपास के अंदर लेंगे। उस कंपास के अंदर आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेने के बाद उसके पॉइंट को B पर रखेंगे, एक आर ऊपर एक आर नीचे लगाएंगे, उस डिस्टेंस को कायम रखते हुए, डिस्टेंस को रखकर एक आर ऊपर एक आर नीचे लगाएंगे, उसको जैसा का वैसा उठाकर हम पॉइंट बी की जगह पॉइंट सी पर रखेंगे इस तरह से, और सी पर रखने के बाद हम
ऊपर एक क्रॉस और नीचे एक क्रॉस लगाएंगे। इस तरीके से हमने पॉइंट बी पे रख के ऊपर एक आर्क, नीचे एक आर्क, फिर पॉइंट सी पर रख के ऊपर एक आर्क और नीचे एक आर्क लगाएंगे। डिस्टेंस हमको कायम रखना है, अगर हमने डिस्टेंस बदल दिए तो फिर जो है हमारा रिजल्ट सही नहीं आएगा। रिजल्ट ये है कि दोनों भी जो आर्क होते हैं, दोनों भी जो कॉस होते हैं, वो कॉस एक दूसरे को मिलते हैं। ऊपर भी दोनों कॉस मिलेंगे एक पॉइंट पर और नीचे भी दोनों कॉस मिलेंगे ही एक पॉइंट पर। तो इस तरीके से हमको दो नए पॉइंट मिलेंगे जिनको हमें स्केल की वजह से मिला लेना है। इस तरह से अब ये दोनों पॉइंट के जरिए बनने वाला जो लाइन है, जो सिगमेंट है, वो बीसी को क्रॉस करता है, इंटरसेक्ट करता है। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट जो है मिड पॉइंट होता है। और ये जो नया हमको लाइन मिला है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। किसका? साइड बीसी का। साइड बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये नई लाइन। जिस तरीके से हमने बीसी की जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचे, उसी तरीके से हम जो है एबी का जो है खींच सकते हैं। पॉइंट ए पर रखिए, एक क्रॉस ऊपर एक क्रॉस नीचे लगाएंगे, फिर पॉइंट बी पर रखकर एक क्रॉस ऊपर एक क्रॉस नीचे लगाएंगे। दोनों को मिलाने से जो नया पॉइंट मिलेगा वो जो रहेगा एबी को जो है इंटरसेक्ट करेगा, और नई लाइन जो मिलेगी वो रहेगी एबी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इस तरह से बीसी और एबी का जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लिए। जो मेथड हमने बीसी का परपेंडिकुलर खींचने के लिए यूज किए और एबी का परपेंडिकुलर खींचने के लिए यूज कर रहे, बिल्कुल उसी तरीके से हम एसी का जो है वो परपेंडिकुलर खींच सकते हैं। कैसे? देखिए, एसी जो है एक लेंथ हमारे पास मौजूद है, उसका वर्टेक्स एक ए है, दूसरा सी है। हमको अगर एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है, हम पॉइंट सी पर रखेंगे और एक साइड में एक क्रॉस, दूसरे साइड में दूसरा क्रॉस लगाएंगे। डिस्टेंस को कायम रखिए, डिस्टेंस को कायम रखकर पॉइंट ए पर जो है वो हमारे कंपास की जो पॉइंट है उसको रखिए, और कंपास के पॉइंट को ए पर रखने के बाद फिर से इधर एक क्रॉस और इधर एक क्रॉस लगाएंगे। दोनों भी नए पॉइंटों को जो है हम मिला देंगे इस तरह से, तो हमको मिल जाएगा एक नई लाइन। और ये जो नई लाइन रहेगी यही रहेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और देखिए खास प्रॉपर्टी क्या है, हमारे पास खास प्रॉपर्टी ये है कि जो बीसी का बाइसेक्टर है, एसी का और एबी का बाइसेक्टर है, ये तीनों के तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है ये एक ही पॉइंट पर मिलते हैं। एंड दैट इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एक अहम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है जो हर मुसलस के अंदर पाई जाती है, हर ट्राइंगल के अंदर पाई जाती है। और वो प्रॉपर्टी क्या है? वो प्रॉपर्टी ये है कि अगर तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचे जाए तो वो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो एक ही पॉइंट के ऊपर मिलते हैं। एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से जो है हमने चार चीजें जो है अभी देखी, जो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत बेसिक चीज है। सबसे पहले तो हमने ये देख लिए कि किसी एंगल का बाइसेक्टर किस तरह से खींचा जाता है, उसका पूरा मेथड हमने देख लिया। तो दूसरी स्टेप के अंदर हमने ये देखी कि किसी सिगमेंट का, किसी लाइन सिगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस तरह से खींचा जाता है, वो भी हमने देख लिए। और फिर इन दोनों को इस्तेमाल करके हमने एक ट्रायंगल के एंगुलर बाइसेक्टर खींचे और ये साबित कर दिए हमने कि वो तीनों बाइसेक्टर एक पॉइंट पर मिलते हैं। और अभी जस्ट जो हमने देखे, इसके अंदर हमने तीनों भी साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचे साइड के, और ये साबित कर दिए कि तीनों भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये भी मुसल्लस के अंदर एक पॉइंट के ऊपर मिलते हैं। इस तरह से हमने जो है वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को जो है वो बता दिए। अब देखिए हम इसके बाद ये देखते हैं
कि अगर कुछ इंफॉर्मेशन हमको दी हुई है, स्पेशल इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, तो वो दी हुई इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर हम मुसल्लस किस तरह से बनाते हैं, ट्रायंगल किस तरह से क्रिएट करते हैं, वो तरीका से देखेंगे। देखिए हमारे पास पहला मेथड मौजूद है ट्रायंगल बनाने का। पहला मेथड ये होता है कि अगर आपको किसी ट्रायंगल के तीनों साइड की लंबाइयां अगर दी हुई है, पहले जिले की लंबाई, दूसरे जिले की लंबाई और तीसरे जिले की लंबाई, अगर तीनों जिलों की तीनों साइड की लंबाइयां अगर आपको दी हुई है, तो आप उसकी बुनियाद पर मुसल्लस किस तरह से बनाएंगे। ये पहला मेथड है जो हमको अभी देखना है। देखिए इसके अंदर हमको रफ फिगर बनाना बहुत जरूरी है, यानी कच्ची शक्ल। अगर हमको सपोज कोई ट्रायंगल दिया हुआ है एल एम एन और इस ट्रायंगल की हमको तीनों साइड की लंबाइयां दी हुई, सपोज हमको पहले साइड की लंबाई जो है 4 सेंटीमीटर, दूसरे साइड की लंबाई 5 सेंटीमीटर और तीसरे साइड की लंबाई 6 सेंटीमीटर अगर दी हुई है सपोज, तो हम किस तरह से इस बुनियाद पर जो है वो ट्रायंगल को बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमको तीनों साइड में से किसी एक साइड को जो है वो स्केल की मदद से उसकी लंबाई को जो है वो बनाना पड़ता है। सपोज एमएन के अंदर हम एमएन जो 5 सेंटीमीटर का है, स्केल की मदद से, स्केल की हेल्प से हम एमएन जो है वो 5 सेंटीमीटर का ले लेते हैं और ये कोई मुश्किल चीज नहीं। स्केल की मदद से एक सेगमेंट खींचना यह हम सबको आता है, तो हम जो है वो एमएन जो है 5 सेंटीमीटर का खींच लेंगे। उसके बाद देखिए हम रफ फिगर का इस्तेमाल करेंगे। हम जानते हैं कि ML जो है, ML की लंबाई जो है वो 4 सेंटीमीटर है, तो हम प्रकार के अंदर जो हमारा कंपास है उस प्रकार के अंदर 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस जो है लेंगे और 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेने के बाद उसके पॉइंट को हम इस वर्टेक्स M के ऊपर रखेंगे और M के ऊपर रखकर हम एक क्रॉस बनाएंगे जो हम ML हासिल करने के लिए जो है ML की लंबाई है, जो ML की लंबाई है 4 सेंटीमीटर, उतनी लंबाई यानी 4 सेंटीमीटर लेकर हम पॉइंट M पर रखकर एक क्रॉस बनाएंगे। उसके बाद हम रफ फिगर को इस्तेमाल करेंगे। रफ को देखेंगे हम कि ML की जो लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर है, तो हम उतना ही डिस्टेंस कंपास के अंदर लेंगे और वो डिस्टेंस लेने के बाद हम जो कंपास का पॉइंट है उस पॉइंट को N पर रखकर, पॉइंट N के ऊपर रखकर हम दूसरा क्रॉस जो है हमारे जो 6 सेंटीमीटर का होगा, यानी पहला क्रॉस या पहला आर्क जो हमने मारे वो 4 सेंटीमीटर का और दूसरा जो आर्क हमने हासिल किए वो 6 सेंटीमीटर का है। ये दोनों की आर्क जो है, ये दोनों की क्रॉस जो है जिस पॉइंट पर मिलेगी वो हमारा तीसरा पॉइंट यानी एल रहेगा और L हासिल होने के बाद हम इसके की मदद से एल एम खींच लेते हैं और एल एन खींच लेते हैं, जिसमें एल एन की लंबाई 4 और एल एन की लंबाई 6 सेंटीमीटर रहेगी। इस तरीके से जो है हम उस कंडीशन में या ऐसी कंडीशन में जो है ट्रायंगल बना सकते हैं जब हमको ट्रायंगल की तीनों साइड दी हुई हो। ये पहला तरीका, पहला मेथड जिसके अंदर तीनों साइड हमको दिए हुए हैं। बिल्कुल उसी तरीके से हम जो है वो दूसरे मेथड को भी यूज कर सकते हैं और दूसरे मेथड के जरिए भी हम जो है वो ट्रायंगल बना सकते हैं। लेकिन खास बात यह है कि पहले मेथड के अंदर हमको ट्रायंगल बनाने के लिए तीनों साइड दिए हुए थे, जबकि दूसरे मेथड के अंदर हमको जो है दो साइड दिए हुए हैं, यानी टू साइड और उनके दरमियान का एंगल जो है हमको दिया हुआ है। तो चलिए हम अब देखते हैं कि अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड हमको दिए हुए हैं और उन दोनों के बीच में बनने वाले एंगल का जो है मेजरमेंट हमको दिया हुआ है, तो उस वक्त
हम किस तरह से ट्रायंगल बनाएंगे। देखिए इसके अंदर ये मेथड के अंदर हमको फिर से जो है रफ फिगर का कच्ची शक्ल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फर्ज कीजिए हमको एक ट्रायंगल दिया हुआ है या एक ट्रायंगल बनाना है जिसका नाम है पी क्यू आर, जिसमें हमको पी क्यू की जो लंबाई है वो सपोज 7 सेंटीमीटर दी हुई है, दूसरा जो साइड है इसका वो साइड क्यू आर है, सपोज हमको इस क्यू आर की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर दी गई है, मतलब दो साइड हमको दिए गए हैं। और दो साइड देने के बाद सपोज हमको इन दोनों के बीच में बनने वाला जो एंगल है उसका मेजरमेंट सपोज दिया हुआ है 60 डिग्री। इस तरीके से हमको जो है वो दो साइड और एक एंगल दिया हुआ है। तो इस कंडीशन में ऐसे मेथड से या ऐसे सिचुएशन में जो है हम किस तरह से ट्रायंगल को बनाते हैं, तो इसके लिए फिर से हम जो है एक साइड जो रहेगी शुरुआत की स्टार्टिंग, वो एक साइड हम स्केल की मदद से बना लेंगे। जैसे एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर हमारे पास है तो हम सबसे पहले स्केल को यूज करके क्यू आर खींच लेंगे इस तरह से 5 सेंटीमीटर, ये कोई मुश्किल नहीं। इसके बाद की फॉरन स्टेप जो होती है वो इसके बाद की अगली स्टेप होती है कि हमको जो एंगल क्यू दिया हुआ है ये एंगल क्यू 60 डिग्री का दिया हुआ है, और 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हम जो है डिग्री का यूज करते हैं, जो चांगा होता है जो डिग्री होती है उस डिग्री के सेंटर को क्यू पर रखकर हम जो है 60 डिग्री के पॉइंट पर आकर जो है एक रे खींचते हैं, एक छुआ खींचते हैं, एक रे खींचते हैं जो 60 डिग्री का एंगल बनाती है इस क्यू आर के साथ, और हम जो है इस एंगल को जो है 60 डिग्री का मेजरमेंट दे देते हैं, पैमाइश इसकी लिख देते हैं 60 डिग्री। यानी तीन इंफॉर्मेशन जो हमको दी हुई है उसमें से दो को हमने यूज कर लिया। अब देखिए इसके फौरन बाद हम ये करते हैं कि जो हमको तीसरा पॉइंट है पी, वो पी हासिल करने के लिए हमको क्यू पी की लंबाई दी हुई है क्यू पी यानी 7 सेंटीमीटर, और ये क्यू पी जो 7 सेंटीमीटर का है इसको हासिल करने के लिए हम प्रकार का यानी कंपास का यूज करते हैं। एंगल बनाने के लिए तो हमने डिग्री का यूज कर लिया 60 डिग्री, ये एंगल हमारा बन चुका है, लेकिन अब क्यू पी बनाने के लिए हम फिर से जो है प्रकार का यूज करेंगे जिसके अंदर हम डिस्टेंस लेंगे कितना 7 सेंटीमीटर, और 7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेने के बाद हम उस कंपास के पॉइंट को रखेंगे क्यू पर, और 7 सेंटीमीटर का एक आर्क हासिल करेंगे, एक आर्क मारेंगे जो इस रे को जो है वो क्रॉस करेगा, इस शुआ को और आर्क ये दोनों में जिस पॉइंट पर मिलेंगे वो हमारा तीसरा पॉइंट रहेगा पी, और पी क्यू की जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर हमको ऑलरेडी दी हुई है। इस तरीके से हमको पी मिला जिसको हमने आर से मिला दिया, और हमारा जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल तैयार हो चुका है। देखिए किस तरह से हमने दो मेथड देख ली, बिल्कुल इन दो मेथड को इस्तेमाल करके और इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके हम तीसरा एक ट्रायंगल बना सकते हैं, मतलब तीसरी कंडीशन के अंदर जिसके अंदर दो एंगल हो और दोनों को जोड़ने वाला या दोनों का जो एडजेसेंट है साइड वो साइड जो है वो दी हुई हो और दो एंगल दिए गए हो, तो तीसरी जो हमारी कंडीशन है जो हमारा तीसरा मेथड है वो मेथड के जरिए भी हम जो है वो ट्रायंगल बना सकते हैं, और राइट एंगल दिया हुआ हो और हाइपोटेनस साइड दिया हुआ हो तो भी हम ट्रायंगल को बना सकते हैं। इस तरह से हम जो है वो डिफरेंट कंडीशन में जो है वो ट्रायंगल्स बना सकते हैं। तो ये जो हमारा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का वीडियो है ये इसी मकसद से बनाया हुआ है कि स्टूडेंट को जो है वो ट्रायंगल्स बनाना आ जाए, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग इंफॉर्मेशन जो दी हुई है उन इंफॉर्मेशन को यूज करके आप जो है वो
ट्रायंगल बना सके, इसी मकसद से जो है ये वीडियो बनाया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए।